अब देखते हैं स्टेंजा थ्री को वर्ड टू वर्ड मीनिंग करते हुए। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबुल्ट सैड द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न द नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड। द ब्रिजी, ब्रिजी होता है प्लीजेंट, ब्रिजी मीन्स प्लीजेंट यानी कि सुगंध, सुखद, सुखद कॉल मीन्स पुकार, सुखद पुकार ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग सुगंधित वायु की, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी कि प्रातःकाल की, प्रातःकाल की सुगंधित वायु की एक सुखद पुकार। द सैलो ट्विटरिंग, सैलो होता है अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मीन्स चहचाना, फ्रॉम द स्ट्राबुल्ट सैड जो कि स्ट्राबुल्ट मीन्स घास फूस के बने हुए, सैड मीन्स घोंसले, अपने घास फूस के बने हुए घोंसलों से अबाबील पक्षियों की चहचाहट या चहचाना। द कॉक्स श्रील क्लैरियन, कॉक्स मीन्स मुर्गे की, श्रील मीन्स तीखी यानी कि शार्प और क्लैरियन मीन्स बांग, मुर्गे की तीखी बांग यानी कि मुर्गा जो सुबह को बहुत जोर से बोलता है उसे मुर्गे की बांग बोला जाता है, मुर्गे की तीखी बांग और द इकोइंग हॉर्न और बिगुल, बिगुल के द्वारा ध्वनि करना यानी कि बिगुल जो शिकारी लोग होते हैं वो बिगुल एक हॉर्न के समान, जैसे हॉर्न होता है गाड़ियों का, हॉर्न के समान एक हॉर्न बजाते हैं, बिगुल शोर करते हैं। नो मोर शैल राउज जो कि नहीं उठा सकते हैं, शैल राउज, राउज यानी कि राइज, राइज मीन्स उठना होता है, तो राउज उठा सकते हैं डैम फ्रॉम दियर लोली बेड उनको जो कि उन कब्रों में लेटे हुए हैं। यानी कि इस स्टेंजा में बताया गया है कि सुबह की जो सुगंधित सुहावनी एक पुकार होती है, वायु की सुगंधित वायु होती है उसकी एक पुकार होती है, या अबाबील पक्षियों का अपने घास फूस के घोंसले में से चहचाना होता है, मुर्गे की तेज आवाज होती है, तेज बांग होती है, या शिकारियों द्वारा बजाया हुआ बिगुल जो होता है उसकी ध्वनि होती है, इन सब से एक सोया हुआ व्यक्ति तो जाग जाता है लेकिन कब्र में सोए हुए व्यक्ति को कोई नहीं जगा सकता। तो ये स्टेंजा थ्री हो गया आपका, स्टेंजा फोर पर चलते हैं। तो स्टेंजा फोर इसका देखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर नॉर ग्रैंडियर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए, मॉक मीन्स मजाक बनाना या मजाक उड़ाना, डियर टू, डियर मीन्स उनका, यूजफुल मीन्स लाभदायक, उनका, उनके लाभदायक टॉयल, टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, उनके कठिन परिश्रम का, उनके लाभदायक कठिन परिश्रम का मजाक महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं उड़ाना चाहिए। महत्वाकांक्षी किसे कहा है, जो धनी लोग हैं, धनी और महत्वाकांक्षी लोग जो हैं उन्हें उन गरीबों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डियर होमली जॉयज, होमली होता है सिंपल, उनकी खुशियां साधारण थी यानी कि जब साधारण लोग थे गांव के वे तो उनकी खुशियां भी साधारण थी। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और डेस्टिनी होता है फेट, फेट यानी कि भाग्य, और भाग्य ने ऑब्सक्योर में साथ नहीं दिया यानी कि जितना उन्होंने कठिन परिश्रम किया उतना उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, उन्होंने कठिन परिश्रम तो बहुत किया लेकिन उतनी उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थी, वे साधारण लोग थे, साधारण उन्होंने अपना जीवन जिया। नोर ग्रैंडवर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, और ग्रैंडवर होता है ग्रेट मैन यानी कि महान व्यक्ति, और महान व्यक्तियों को नहीं चाहिए क्या, डिसडेनफुल हेटफुल यानी कि नफरत वाली या घृणापूर्वक स्माइल मीन्स मुस्कान, उन महान व्यक्तियों को या धनी व्यक्तियों को उनके प्रति एक घृणा प्रकट करने वाली मुस्कान नहीं लानी चाहिए, उनसे नफरत वाली मुस्कान उनके प्रति नहीं लानी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट मीन्स जो सूक्ष्म रूप से, एंड सिंपल मीन्स साधारण, एनल्स मीन्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यानी कि उनके जीवन का लेखा जोखा, ऑफ द पुअर गरीब व्यक्तियों का, जो कि उन गरीब व्यक्तियों के जीवन का लेखा जोखा जो था वो सूक्ष्म था और साधारण था। तो इस प्रकार से इस
स्टेंजा फोर को हम एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि कवि कह रहा है कि कवि धनी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से कहता है कि वे गरीब व्यक्तियों के कठिन परिश्रम का उनके जीवन को तुच्छ भावना या मखौल की दृष्टि से न देखें। उनके जीवन की खुशियां बहुत ही साधारण थी और भाग्य से वे अपरिचित थे या भाग्य ने उनका कभी साथ नहीं दिया। धनी और महान व्यक्तियों को इन गरीब लोगों के संक्षिप्त और साधारण जीवन का तिरस्कार की दृष्टि से देखकर मखौल कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। मखौल मीन्स होता है मजाक, कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। अब इस पोयम का लास्ट स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा फाइव, द बोस्ट ऑफ हार ऑल ड्राई द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव awaits alike the inevitable hour over the paths of glory lead but to the grave। The boast, boast होता है अभिमानी, जैसे बोल देते हैं ना बोस्टगर्दी यानी कि अभिमानी या अहंकार दिखाना। अभिमानी of हर आर ड्राई यानी कि ऊंचे वंश में पैदा होने का, ऊंचे वंश में पैदा होने का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऊंचे वंश में पैदा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, बाहरी आडंबर यानी कि धन का दिखावा। पॉम्प ऑफ पावर, बाहरी आडंबर का दिखावा यानी कि समाज के सामने अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाना या अपने धन का बहुत ज़्यादा दिखावा करना, ये पॉम्प ऑफ पावर होता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उस प्रकार की सभी सुंदरता यानी कि चाहे वो ऊंचे वंश में पैदा हुआ हो, चाहे किसी के पास धन अधिक हो, चाहे किसी के पास सुंदरता कुछ भी हो, वो सब प्रकार की सुंदरता ऑल दैट वेल्थ और उस सब प्रकार का धन यानी कि इस तरह का कैसा भी धन हो एवर गेव हमेशा के लिए चला जाता है यानी कि वो ये नहीं है कि स्थाई रहेगा, अस्थाई होता है, कभी भी जा सकता है। अवेट्स अलाइक द इन एविटेबल ओवर, और यह इन एविटेबल मीन्स सर्टेन यानी कि निश्चित रूप से, ओवर मीन्स समय में, निश्चित समय में यह सब एक दिन समाप्त हो जाता है यानी कि किसी भी प्रकार की सुंदरता हो, किसी प्रकार का धन हो, किसी प्रकार की यश हो, कीर्ति हो, फेम हो, सभी एक निश्चित समय के अंतराल पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, भले ही हमारी कितनी भी प्रसिद्धि फैली हो जीवन में, पाथ्स मीन्स जीवन में किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि फैली हो, बट टू द ग्रेव, लेकिन एक दिन उसका भी अंत मृत्यु ही है। यानी कि इस स्टेंजा की अगर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो इस तरह से कहेंगे कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर बर्थ इन ए हाई फैमिली ऑन योर वेल्थ। यानी कि हमें इस कभी भी जीवन में अपने ऊंचे वंश में पैदा होने का या अधिक धन संपत्ति होने का कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। पावरफुल, ब्यूटीफुल और वेल्दी पर्सन यानी कि शक्तिशाली या सुंदर या एक धनवान व्यक्ति मे गेट ऑनर, सम्मान प्राप्त कर सकता है, यानी कि शक्ति से भी सम्मान प्राप्त कर सकता है, सुंदरता से भी या धन से भी, मे गेट ऑनर एंड ही कैन गेट ए फेम इन दिस वर्ल्ड, और एक प्रकार की प्रसिद्धि भी वह संसार में पा सकता है। बट, लेकिन, बट जहां भी आ गया वहीं समझो गड़बड़, बट देयर एंड इज आल्सो लाइक द पुअर वीक एंड ही वेस्ट विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि वह किसी भी परिस्थिति में या समय के गुजरने के साथ साथ गरीब भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है और वह निर्धन भी हो सकता है। सो दे शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दियर मटेरियल एंड फिजिकल चार्म, किसी भी प्रकार की अपनी भौतिकवाद पर या अपने सुख सुविधाओं पर कभी भी उसे प्राउड ऑफ यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए।
दे शुड रिमेंबर डैट द एंड ऑफ ऑल इज द सेम एग्जाम्पल डेथ। यानी कि हमेशा हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हर किसी का, चाहे वो कितना भी बड़ा धनी हो, अमीर गरीब, सभी के लिए एक दिन मृत्यु आनी निश्चित है। तो इस प्रकार से थॉमस ग्रे ने ये कविता एक अपने गांव के चर्चयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में बैठकर लिखी और ये शोक गीत और इसके माध्यम से समाज को एक संदेश दिया कि हमें हमेशा एक साधारण और कठिन परिश्रम का जीवन जीना चाहिए और कभी भी किसी भी प्रकार का हमें अहंकार या अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबका अंत आता है, मृत्यु सभी की निश्चित है। तो ये आपकी ये पोयम कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट टर्न पे आपको नई पोयम लेकर आएंगे आपके साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट्स करके बताएं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।